दर्शकों स्वागत है आपका विधि संयम के न्यूज में। मैं कृष्णकांत सिंघारी, अब देखते दिन भर की खास खबर। मध्य प्रदेश के 67वें स्थापना दिवस पर शासकीय कन्या महाविद्यालय में हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, कलेक्टर एसपी सहित जनप्रतिनिधि रहे उपस्थित। मंगलसूत्र टॉप सहित गहने की लूट की शिकार दो पीड़ित महिलाएं पहुंची सिटी कोतवाली, पुलिस से चोरों को पकड़ने की लगाई गुहार। और आंवला नवमी पर धर्मप्रेमी महिलाओं ने आंवला वृक्ष की विशेष पूजा आराधना। आंवला नवमी का पर्व मनाया गया धर्ममय वातावरण में। अब खबर विस्तार। मध्य प्रदेश के 67वें स्थापना दिवस पर नगर में कई स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित हुए। वहीं शासकीय कन्या महाविद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, एसपी मोनिका शुक्ला, जिला पंचायत अध्यक्ष, सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन सहित पार्टी जन उपस्थित रहे। और प्रिय छात्राओं, मेरा महाविद्यालयीन परिवार, मैं आज हमारा महाविद्यालयीन परिवार बड़ा गौरवान्वित है कि हम 1 नवंबर 2022 को 66 वर्ष पूरा करके आज 67 वर्ष में मध्य प्रदेश अपना स्थापना दिवस मना रहा है। पूरे देश के मध्य में नारी शक्ति के प्रति हमारे उपस्थित हैं। और प्रिय छात्राओं, मेरा महाविद्यालयीन परिवार, मैं आज हमारा महाविद्यालयीन परिवार बड़ा गौरवान्वित है कि हम 1 नवंबर 2022 को 66 वर्ष पूरा करके आज 67 वर्ष में मध्य प्रदेश अपना स्थापना दिवस मना रहा है। पूरे देश के मध्य में बहुत हार्दिक शुभकामनाएं बधाई। मध्य प्रदेश ने हर क्षेत्र में, चाहे वो ऊर्जा का क्षेत्र हो, इरिगेशन का क्षेत्र हो, डेवलपमेंट का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, मित्रों, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व तरक्की की है। और आज हम भारत के उन चुनिंदा राज्यों में हैं जो कई क्षेत्र लटेरी तहसील की ग्राम सुनखेर निवासी घसीटा अहिरवार जिला मुख्यालय आया, जहां उसने बताया कि सरकार द्वारा उसे 5 बीघा जमीन दी गई थी, लेकिन उसका नाम जमीन से हटा दिया गया। हैरान परेशान व्यक्ति ने प्रशासन से जमीन वापस अपने नाम कराने की मांग की है। घसीटा नाम, घसीटा, हाँ, कहाँ से आया? सुनखेर से। कौन सा माल? एयर बार। क्या हुआ था साहब? मेरे नक्शा में नाव गोल कर दा। हाँ, काय का नक्शा था? वो जमीन को नक्शा था। कितनी जमीन थी आपकी? अपन 5 बीघा है सर। किसने दी थी आपको? सरकार ने दी थी। कब? वो 15-20 साल पट्टे पर दी। हाँ, फिर अब क्या दिक्कत हो रही है? अब साहब जोत तो मैं रहा हूँ, मतलब नक्शा में नाव हटका मेरे। अच्छा, और हाँ, नकल नहीं निकल रही। अब रकबा नंबर है? है ना। कहाँ का है? सुनखेर का ही है। कौन सी तहसील में आता है? लटेरी तहसील। आप कब से परेशान हो रहे हो? अब वो साहब महीना होगा परेशान हूँ। मतलब कौन 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 किसके नाम पे थी वो? आपके नाम? मेरे ही नाम थे सर। कितने? 5 बीघा। हाँ, अधिकारियों को सूचित कर दिया? नहीं, अब कर दी साहब। तहसीलदार कहाँ फिर आया, LDO कहाँ फिर आया, पटवारी कहाँ फिर आया, सब भी कहते हैं कर देंगे कर देंगे। अभी आवेदन दे दिया? दे दिया साहब।
कलेक्ट्रेट परिसर में लाडली वाटिका का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारियों सहित कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा भी उपस्थित थे। कलेक्ट्रेट परिसर विदिशा में महिला बाल विकास के तत्वाधान में आप देख रहे हैं शुभारंभ, उसमें हमारे देख लो आपको, अब आपको अब आपको आगे से टाइम पर आना पड़ेगा। हाँ देखो हमारी गलती नहीं है, टंडन जी की गलती है, सब उनको सिखाना का टाइम पर अब आया। घूम के जा रहे थे, घूम अरे ठीक है बेटा, बाद में अच्छे से करवा देना, गलती बढ़िया है ना, अच्छी बात है। माली दादा बढ़िया बैठो बेटा, ऐसे बच्चों से लगवा रहे फोटो आज बच्चों। लाडली लक्ष्मी टू का शुभारंभ संपूर्ण मध्य प्रदेश में हो रहा है और आज यहाँ पर कलेक्ट्रेट प्रांगण में लक्ष्मी वाटिका, यहाँ पर हमारी लाडली लक्ष्मी बेटियों द्वारा यहाँ पर वृक्ष लगाकर ये लक्ष्मी वाटिका के नाम से ये क्षेत्र पहचाना जाएगा। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच नहीं देखिए, शासन का जो निर्देश है, हम लोग मध्य प्रदेश का जो स्थापना दिवस 1 नवंबर से मनाना चालू किया है, उसमें 7 दिन की एक श्रृंखला है। आज इसमें लाडली लक्ष्मी वाटिका और लाडली लक्ष्मी पथ दो का, लाडली लक्ष्मी वाटिका का आज यहाँ पर इनॉग्रेशन हुआ है, लाडली लक्ष्मी पथ का वहाँ टैगोर हॉल में किया जाएगा इसी को लेकर के, और लाडली लक्ष्मी टू भी ये जल्दी ही इसका इनॉग्रेशन होने वाला है। मुख्यमंत्री जी द्वारा लाडली लक्ष्मी वाटिका पूरे प्रदेश में वाटिका का शुभारम्भ किया गया है। ये बेटियों के नाम पर है और बेटियों के नाम पर सरकार ने पहले भी कई योजनाएँ चला रखी हैं, उसी तारतम्य में ये लाडली लक्ष्मी वाटिका का उद्घाटन किया गया है और लाडली लक्ष्मी पथ का उद्घाटन भी 11:30 बजे करीब है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी की जो बेटियों के लेके योजना है उसका एक प्रतीक है और बेटियां खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़ें। आज के चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ, जय हिंद जय भारत। तिलक चौक क्षेत्र में मंगलवार की दोपहर 12 से 1 के लगभग दो युवकों द्वारा महिला के कान के टॉप्स, मंगलसूत्र व लच्छे लूट लिए गए थे। वहीं कुछ माह पूर्व भी इसी तरह की घटना को अंजाम दिया गया था। आज दोनों पीड़ित महिलाएं सिटी कोतवाली पहुंची और उन्होंने लुटेरों को पकड़ने की गुहार पुलिस प्रशासन से की है और अपनी व्यथा मीडिया के समक्ष रखी। क्रांति चौक। क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ बाजार आए थे इस बार, जिनने हमें बीच में रोक लाई। कौन रोकी? जो दो जाने ने कहला हमें कछुच नहीं, पैदल थे हम, पैदल आ रहे थे, कहला हम बात करना है तुमसे, तो हम ठाड़े हो गए, तो कहला हम दूध ना के भूखे हैं, हमें रास्ता बता दो। हमने कही था सीधे चल जाओ, स्टेशन पहुँच जाओगे, तो कहने लगे थोड़ी बात करने है, तो हमने कही कि हम तो जा रहे हैं, कहला ऑटो ला रहे हैं, हम ऑटो में घर छोड़े आए। हमने कही हम नहीं जाएँ ऑटो में, हम ऑटो में नहीं जा रहे, हम तो पैदल ही जाएंगे। कल घटना हुई 12:30 की। लगभग कितना सामान लेगा? हमारे 3 सामान लेगा, माला लेगा, कानों के लेगा और पाँव में लच्छे आधा किलो की। हाँ और मंगलसूत्र? हाँ 20 गुड़िया और कटोरी है, वो कानों के फूल है। कीमत होगी? अब जो कीमत आपका पहले के जमाने के हैं। बीना का रास्ता पूछ रहा था कि नाम बता दो। नाम शशि भाई। बता दो नाम। शशि भाई कहाँ रहती हैं? कुमार गली। क्या हुआ आपके साथ? हम ड्यूटी करके आ रहे थे, हमें आधे रास्ते में सब मिल गया, कहने एक भाई हमें बीना का रास्ता बता दो, कहला हमें भगा दिया, कहला नौकरी पैसे, तो हम पैदल जा रहे हैं, किराए को पैसे नहीं है हमारे कहने। तो ये कब की घटना है? ये दुर्गे जी बैठ रही थी उस दिन की घटना। तो क्या हुआ था फिर आपके साथ? तो उनने मंगलसूत्र भी ले लिया, हमारा अम्मा कहला जी मंगलसूत्र दे दो, कानों के ले लिए,
लामा झाई बैठना अभी हाल आ रहे हैं हम बैठे रहे हमें 12 बज गया बैठे बैठे तो रिपोर्ट भी डाली थी आपने रिपोर्ट डाल दी सर कहाँ रहे थे आप क्रांति चौक आपकी माताजी का क्या हुआ और कैसे हुआ कब हुआ ये कल 10-11 बजे करीब मार्केट गई तो वहाँ जाके इनने सामान वगैरह खरीदा सामान बाजार करके लौट रही थी घर के लिए तो दो अज्ञात लोग आए तो उनने माँ को रोक बातों में लिया तो इसके बाद में माँ को बिठाने के बाद में जो कान के वो गले की जो माला थी वो पैर में लच्छे थे वो उन्होंने उतरवा लिए तो पैसे का लालच दे के रिपोर्ट डाली थी आपने हाँ रिपोर्ट डालने हम कल आए थे तो उन्होंने आवेदन दिया साहब ने हमको रिपोर्ट तो लगभग कितने कीमती जेवरात होंगे ये मान के चलो कि 4 लच्छे थे आधा किलो के और तोला से थोड़ा बहुत कम या तोला भर मान लो सोना था ये दोनों मिला के गले का और कान का आंवला नवमी के दिन शहर के प्रबुद्ध जनों विद्वानों द्वारा लगभग 132 वर्षों से उदयगिरी की परिक्रमा की जा रही है। चोपड़ा से निशान यात्रा ने प्रारंभ होकर लगभग 22 किलोमीटर की दूरी तय की। नगर के सभी मंदिरों के ध्वज लेकर निशान यात्रा निकाली गई जिसमें शहर के गणमान्य वरिष्ठ जन भी शामिल रहे। पंडित शिवराम शर्मा हैं। शिवराम जी ये जो यात्रा है ये यात्रा क्यों निकाली जाती है और कितने मंदिरों के इसमें झंडे शामिल होते हैं? इसमें लगभग के 180 करीब झंडे नगर विदिशा के जो मंदिर हैं प्राचीन मंदिर उन सब मंदिरों से एक एक ध्वजा आती है और सबका एक साथ समूह बना के और इसकी परिक्रमा की जाती है। यानी ये परिक्रमा का उद्देश्य धर्म संस्कृति और पर्यावरण के उद्देश्य को लेकर की जा रही है। इसी उद्देश्य को लेकर जात पात का इसमें कोई भेद नहीं है, सभी धर्म के लोग सम्मिलित होते हैं और यहाँ पर नरसिंह शिला पर जाकर सब लोग एकत्रित होते हैं। वहाँ पर जो है कवि सम्मेलन होता है, कवि सम्मेलन का उद्देश्य भी ये है कि साहित्यिक ज्ञान लोगों को प्राप्त हो, इसी उद्देश्य। भरत जी ये जो यात्रा निकाली है निशान यात्रा निकाली जाती है, क्या उद्देश्य है इसका और क्यों निकालते हैं अपन, कम शब्दों में बात करें जी। अक्षय नवमी की परिक्रमा होती है, अक्षय नवमी के दिन निकाली जाती है। पंडित विश्वनाथ शास्त्री जी ने 132 साल पहले इसे आरंभ किया था और हमारे जितने धार्मिक मंदिर हैं उन मंदिरों से एक एक निशान जो है वो प्रतीक प्रतिनिधि के रूप में प्रतीक रूप में शामिल किए जाते हैं और उनकी पूजन करते हुए तमाम मंदिरों पर जाती है और शहर के सभी गणमान्य लोग सामान बच्चे भाई सब लोग साथ में जाते हैं मिलकर और वहाँ रास्ते में जो आंवले के वृक्ष रहते हैं उनकी पूजन भी कर दिया सब करते हैं आंवले की विशेष आरक्षक कर्नल पटेरिया कोतवाली विदिशा। ये जो आप किस यात्रा में शामिल हुए हैं? ये प्रतिवर्ष उदयगिरी के लिए ये यात्रा निकाली जाती है और इसमें जो है पुलिस व्यवस्था लगती है। हम लोग पीछे पीछे सुरक्षा के उसमें चलते हैं और मदद करते हैं और ये हमारा सौभाग्य का अवसर है कि हमको जो है अधिकतर यही सब ड्यूटियां मिलती हैं। अभी 2 साल से हम जो है पिछले मेले का कार्यभार संभाल रहे हैं, मेला लगता है 1 महीने का 1.5 महीने का वो भी संभाला और इसके साथ साथ जो है हमारा तो ये सौभाग्य है कि हम अधिकतर जो है धार्मिक ड्यूटी में। लाड़ली लक्ष्मी योजना अंतर्गत कन्या पूजन उपरांत लाड़ली लक्ष्मी को 25,000 की राशि का चेक दिया गया। इस मौके पर कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन, एसपी मोनिका शुक्ला सहित गणमान्य उपस्थित रहे। सुबह सबसे पहले लाड़ली लक्ष्मी वाटिका का शुभारंभ 10:30 बजे कलेक्ट्रेट परिसर में किया गया और अब जो हमारा लाड़ली लक्ष्मी पथ है शहर का जो मुख्य पथ है उसका नाम भी
लाडली लक्ष्मी पथ रखा गया है, इसका भी आज यहाँ पर शुभारंभ किया गया है। आज के दिन कुछ समय पश्चात ही अभी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना 2 के संबंध में इनॉग्रेशन इसका भी किया जाएगा। अरे पता नहीं कैसे आ रही है, कौन सी गलती आ रही है, मोड़ी मोड़ी हो रही है, पता नहीं बोला हो कहीं क्या होगा, ब्याह कैसे हो, कैसे जा बड़ी होगी पढ़ेगी लिखेगी कहीं क्या हो, ये सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और ये ऐसी संवेदनशीलता है, इसमें जो दोषी है वो भी कभी बेटी नहीं, वो बहू भी बेटी, मगर हर भूमिका में जो है भूमिका बदल जाती है। बेटी अगर माता पिता के बारे में सोचती है तो अलग भूमिका होती है, और सास ससुर के बारे में सोचती है बहुत अलग भूमिका हो जाती है। तो हमारी बेटी और मातृशक्ति के अनेक रूप हैं, मगर सबसे संवेदनशील अगर कोई रूप है तो वो लाडली लक्ष्मी का है। हमारे यहाँ वैसे भी हम लोग जिस संस्कृति को मानते हैं, हमारे यहाँ वैसे भी प्राथमिकता माताओं को ही दी जाती है। सीताराम कहते हैं कि नहीं कहते राम सीता के कारण हुई है, हमेशा से बोल रही राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण सरस्वती जो भी नाम आता है पहले मातृशक्ति का ही आता है। हमारी संस्कृति भी मातृशक्ति की उपासक के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाडली लक्ष्मी योजना 2 शुरू की है। अब वो बेटियां जो बड़ी हो गई हायर एजुकेशन में पढ़ रही है उनके लिए भी 25,000 रुपए की राशि डालकर वो अपनी शिक्षा पूरी कर ले, अपने पैरों पर खड़े हो जाए, इसके लिए माननीय बाल विहार कल्याण समिति द्वारा आंवला नवमी के अवसर पर मेले का आयोजन हुआ। वहीं धर्मप्रेमी महिलाओं द्वारा आंवला वृक्ष की विशेष पूजा आराधना की और आंवला नवमी का पर्व धर्म में वातावरण में धर्मप्रेमी महिलाओं ने धूमधाम से मनाया। फुटबॉल कहाँ गई, उसमें रख दी है। बाल विहार में आंवला नवमी के अवसर पर यहाँ पर मेला आयोजन होता है और शहर की महिलाएं यहाँ आके आंवले की वृक्ष की पूजा अर्चना करती हैं, और यहाँ पर सावरकर बाल विहार कल्याण समिति के सदस्यों द्वारा 1 रुपये में 4 फुल्की और 1 रुपये में चने का दोना, ये बच्चों के लिए विशेष ऑफर दिया गया है जिससे कोई चीज़ वेस्ट। चलो भाई चल रहा आज की खबरों को देखते ही पर बराबर आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विधि संयम। खबरों में फिलहाल इतना ही। शहर की ताज़ा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है। YouTube पर EMT News 24/7 को सब्सक्राइब करें
और जाने शहर की ताजा तरीन खबरें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूले जिससे आप रहे हर खबर से अपडेट।